गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। थाना दिवस के मौके पर फिरोजाबाद एसएसपी ने थाना दक्षिण में जनता दरबार लगाकर पीड़ितों की समस्या सुनी और जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए। शनिवार यानी थाना दिवस, इस मौके पर पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ला ने शहर के थाना दक्षिण में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान पीड़ितों ने अपनी समस्याओं को लेकर एसएसपी के समक्ष रखी। समस्याओं को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है वे पीड़ितों की समस्या जल्द से जल्द निस्तारण करें। जनता दरबार में सबसे ज्यादा मारपीट संबंधित समस्या देखने को मिली। और प्रॉपर्टी को लेकर सुनवाना भी पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। उसका आयोजन किया गया, किस तरह समस्या का निस्तारण किया गया? समस्याएं बड़ी प्रैक्टिकल सी आती हैं। कुछ घर पे ताला बंद कर दिया है, जमीन का विवाद है, कुछ एक का पैसा ले लिया है, चेक दे दिया है, तरह तरह के डिफरेंट टाइप की केसेस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत साफ सुथरा जमीन का विवाद है, आईपीसी में टिकअप कर लो, और टिपिकल टाइप के लोगों की समस्याएं होती हैं। तो काफ़ी समय दे करके बात करके दूसरे पक्ष को बुला करके कुछ का तो समझौता हो जाता है, समझ जाते हैं। और कुछ का ये है कि दबंगई दिखा रहे हैं, एक लड़की आई थी, तरह तरह की समस्याएँ होती हैं जिस वहाँ से उनका निराकरण हो पाता है। लेखपाल से हो जाए, धमकाने चमकाने से हो जाए, समझाने से हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, तो मेरा उद्देश्य होता है कि उनका समाधान हो जाए। और सब पे लिखा पढ़ी हो, चार्जशीट हो, हम इसके पक्ष में नहीं रहते। वो तो लास्ट स्टेज है, जब बात नहीं कोई मानेगा तो आईपीसी उसका प्रोटेक्शन देगी, पुलिस उसके साथ में है। लेकिन अभी मुझे कम से कम 7-8 समस्याएँ ऐसी मिली यहाँ पर, जो पति के खिलाफ शिकायत है, सास के खिलाफ शिकायत है, भाई भाई के खिलाफ शिकायत है, पर संपत्ति के बंटवारे के, तो उसमें काफ़ी तो हल हो गई यहाँ पे 2-3 में, तो बात से ही हल हो गई। 2-3 में कुछ कार्रवाई करनी पड़ी, और कुछ लेखपाल नहीं आ पाए थे, कुछ चक्कर उतना चल रहा है चुनाव उनाव का, तो 2-3 को बुलवाया गया, बाकी नहीं आ पाए थे। कुल मिला के जो भी दरखास्तें यहाँ पर आई, आपने देखा होगा, उनका अंतिम रूप से निस्तारण मैंने कराया। मेरा ये टारगेट होता है कि उनका निस्तारण अंतिम रूप से हो। जब मेरे सामने आ गई घटना या बात, तो उसका निस्तारण हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि फिर जिले में उसका निस्तारण फिर और कोई कर पाएगा। फिर थाने पर जाएगा, सीओ के पास जाएगा, घूमता रहेगा। तो जो होना है मेरे सामने आने के बाद फाइनल हो जाए। मुझे संतुष्टि इस बात की है कि लोग संतुष्ट होते रहे।